व्हाट्सअप गाइस, कल भैया धागे लिटरली धागे खोल दिए। बॉलर कह रहे हैं हम करे तो करे क्या, दिल्ली से दूर हमें आपने होम ग्राउंड बना के दे दिया वाइजैग में, तो मतलब क्या चाहते हो हम दिल्ली चले जाएं। इतना मारा भैया, इतना सुनील नारायण ने मारा, फिर रसल ने कसर नहीं छोड़ी, रिंकू ने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ऋषभ पंत ने बैटिंग जो करी है वो वर्ल्ड कप में उनको जगह दिला दी मुझे लगता है। करते साथ में इंजॉय मस्त मजेदार मीम्स कल के मैच के, और डेडमैन सेस चैनल से उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। केकेआर अंडर गंभीर, विदाउट गंभीर। अरे सुनील नारायण, रिंकू सिंह की केकेआर ने हरा दिया है ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स को। जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और आ जाओ लंडो मीम्स देखते हैं। भाई मैं 2 बॉल खेलकर आउट हो जाऊंगा, मुझे ज्यादा बैटिंग नहीं आती, बॉलर हूँ यार, मेरे को तो बैटिंग आती नहीं है। हर एरिया में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो 2 मिनट के लिए टाइम पास करने को आएगा और बोलेगा अरे एक बॉल डालना, और साला पूरी टेस्ट मैच खेल के चले जाएगा। क्या मतलब वो बंदा अभी मैं ही हूँ। आरसीबी बन चुका हुआ आजकल, गलती किसी के भी हो गाली में ही खाता हूँ। मतलब आरसीबी फैंस का एक रिकॉर्ड था 263 रन का, वो पहले एसआरएच ने तोड़ दिया, वो कम था, तो अभी 4 दिन हुए ने और वो दुख फिर से मिल गया आरसीबी फैंस को। अभी नंबर 3 के ऊपर रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे लग रहा है ये आईपीएल खत्म होने से पहले 5-6 के बाहर ही चला जाएगा। बाकी 9 टीम्स में अगर दम है ना, 49 का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ फिर मानू। ओनली टीम टू स्कोर 260 इन आईपीएल विदाउट इंपैक्ट प्लेयर रूल। हाँ भाई, ये अगर स्टिपुलेशन डाल दो तो रिकॉर्ड अभी भी आरसीबी के पास है। खत्म हो गया भैया मैटर। मुझे क्या, मेरी टीम का तो रिकॉर्ड सेफ है। मतलब आरसीबी के लिजिट 2 दुश्मन है। 2009 में जब डेकन चार्जर्स ने हराया था, वो अभी की सनराइजर्स हैदराबाद है। फिर 2016 में डेकन चार्जर्स ने आरसीबी को हराया था फाइनल में। तो एसआरएच के साथ 2 फाइनल्स, और फिर गौतम गंभीर और विराट कोहली को तो लफड़ा है ही है। एक दुश्मन एसआरएच, दूसरी दुश्मन केकेआर, दोनों ने आरसीबी का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाकी ठंडन गोपाल कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर दे इसकी टीम पर, इसका सड़ा सा मुंह बना रहता है। इंडिया के लेजेंड है, सड़ा सा मुंह भी मत बोल। पर गौतम गंभीर भाई कभी हंस भी लिया करो यार, नहीं ना ट्रॉफी जीतने देते हैं ना रिकॉर्ड छोड़ते हैं। अबे यार, पूरे दुनिया का दुख दर्द आरसीबी और मेरे ही पीछे क्यों बढ़ाए पता नहीं। और बचा लो भाई डीआरएस, ऋषभ पंत की कैप्टनसी एकदम क्लूलेस चल रही है। ऋषभ पंत बैटर का कमबैक हो चुका है, ऋषभ पंत विकेट कीपर का कमबैक हो चुका है, पर ऋषभ पंत कैप्टन वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो कमबैक कैसे होगा। मम्मी नारायण ने मारा, मार खा रहे थे दिल्ली की बॉलर्स, चोट लग रही थी आरसीबी को। मेरे दोस्तों, अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता यार। भगवान डाउनफॉल कितना भी दो, पर कमबैक इसके जैसा ही देना। एज अ बैट्समैन अगर कमबैक देना है तो ऋषभ भाई जैसा कमबैक दे दो, भगवान मैं खुशी खुशी ले लूंगा। क्या मतलब, उसके लिए पहले लेगेसी बनानी पड़ती है फिर कमबैक होता है। बहन जोक सपाट सालो रोज लिस्ट बड़ी करते जा रहे हो। पहले मुंबई इंडियंस को डाला, बाद में आरसीबी को डाला, अभी दिल्ली कैपिटल्स को डाल रहे हो। भाई कहीं आईपीएल वन साइडेड तो नहीं हो रहा? देखो मुंबई इंडियंस को एटलीस्ट तुम 6-7 गेम के लिए तो रूल आउट नहीं कर सकते, उनको कैसे आदत है ना लास्ट में जीत के आने की। हाँ तुम दिल्ली और आरसीबी को, मतलब नहीं दिल्ली को रूल आउट कर सकते हो, आरसीबी को नहीं। रुको जरा, आरसीबी के कैसे फैंस रहते हैं मेरे कमेंट में, उनका दिल रखना पड़ता है। डेडमैन बाबा अभी टॉक्सिक नहीं रहे, डेडमैन बाबा सुधर चुके हैं अभी जिंदगी में, और तुम भी सुधर जाओ। और सुधरने के लिए खरीदो ये वाला प्रोडक्ट। तेरे को लग रहा था ना एड स्पॉन्सरशिप है, स्किप करने वाला था ना, पकड़ लिया मैंने सबको पकड़ लिया। सालो बिना स्पॉन्सर के आईपीएल कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, रोज वीडियो डालता हूँ फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ दीन ईमान है कि नहीं तुम लोग में? एक सब्सक्राइब तो मार सकते हो भाई के 100 के करा दो। ठीक है, इफ दिल्ली कैन प्ले लाइक 2018 सो कैन आई। मतलब दिल्ली कैपिटल्स लास्ट में ही आने वाली, इसका मतलब तो क्लियर हो चुका है। मुझे क्यों तोड़ा पंत भाई, मैंने थोड़ी मना किया था रिव्यू लेने से। ले लेते यार पंत भाई, क्या करते हो, फ्लो में बह जाते हो आप। या भी डबल मीनिंग क्यों साउंड कर रहे हैं? इट्स नॉट आरसीबी सीएसके के मैचेस, मजा ही नहीं आता। ऐसे बोलने वाले के ना मुंह के ऊपर रेपटे बढ़ने चाहिए। आज के मैच में थी क्या ये तीनों टीम्स, फिर भी मजा है ना मैच देखने में। हाँ वो बात अलग है कि सिर्फ फर्स्ट हाफ में आया, सेकंड हाफ में तो इतना कुछ हुआ नहीं, पर जो ऋषभ भाई ने 28 रन का ओवर मारा वेंकटेश अय्यर को, भाई मजे ही मजे। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाउ अदर्स सी सुनील नारायण, हाउ गौतम गंभीर सी सुनील नारायण, माय मैन इज लिटरली द जैक कैलिस ऑफ वेस्ट इंडीज, या फिर माय मैन इज लिटरली द सुनील नारायण ऑफ साउथ अफ्रीका, दोनों वैसे ले सकते हो जैसा तुमको सही लगे। वो रेड प्लस ब्लू कलर की टीम देखिए तो आरसीबी समझ के कूट दिया। इसकी तो कुछ तो पर्सनल दुश्मनी है आरसीबी से। इसकी कमेंट देखो, 7-4 7-6 थाला फॉर रीजन, डबल थाला फॉर रीजन बोल देता। एक ही साल में 2 बार रिकॉर्ड टूट गया, ये भगवान दुख देना, पर आरसीबी जैसा कभी मत देना। सुनील नारायण गिविंग क्विक स्टार्ट, यंगस्टर परफॉर्मिंग इन मिडल ऑर्डर, आंद्रे रसल फायर पावर फिनिशिंग, गौतम गंभीर एज अ कैप्टन, गौतम गंभीर एज अ मेंटर। भाई लिटरली बंदे ने टीम को रिवाइव कर दिया, जो केकेआर का खौफ मरते जा रहा था आईपीएल में, ऐसे बनता है।
रिवाइव करता है। लखनऊ को तो भाई दो साल में दो बार नंबर तीन के ऊपर लाया है, बंदे में दम तो है। ही शुड बी द मेंटर ऑफ इंडियन टीम एंड आशीष नेहरा शुड बी द कोच ऑफ इंडियन टीम। फिर देखो अपनी इंडियन टीम। नहीं भाई, इंडियन टीम के ऊपर तो भरोसा रहा ही नहीं अब मेरे को। कितना डिफेंड करूं भाई, 10 साल से डिफेंड कर रहा हूँ, कितनी ऐसी आईसीसी ट्रॉफी चली गई हद से। लौट आओ गौतम गंभीर द नॉकआउट प्लेयर। ये मैं ऊपर क्यों देख रहा हूँ, गौतम गंभीर तो है ना अभी। चिन्नास्वामी पिच इन आईपीएल 2024 विशाखापट्टनम हैदराबाद। ये तो जादू ही हो चुका है। चिन्नास्वामी में होता है बॉलर्स का महत्तम। उस दिन वहाँ पर किसी के रन नहीं बन रहे थे। आई मीन लिटरली उस दिन लग रहा था भाई इतना कम स्कोर आरसीबी तो आराम से स्कोर कर लेगी, उसमें भी आरसीबी ने स्ट्रगल कर लिया। तब मुझे पता चला ये वो टिपिकल चिन्नास्वामी पिच है नहीं, वरना चिन्नास्वामी और वानखेड़े स्टेडियम ये तो भाई फेमस है। तुम भाई 350 रन बना लो यहाँ पर तो चेस होने ही होने। पर इस साल वो जिम्मा लिया है विशाखापट्टनम और हैदराबाद में। विशाखापट्टनम का तो ठीक है, चलो थोड़ी बहुत स्पिन चल भी जाती है, हैदराबाद में तो लाशें बीत जाती है बॉलर्स की। मैं क्या बोलता हूँ, अगर गेम हैदराबाद में होना 22 के 22 बैट्समैन खिला लिया करो, वैसे भी बॉलर बॉलिंग डाले या बैट्समैन बॉलिंग डाले, मैक्स टू मैक्स कितना मार खा सकते हो, 36 का। गौतम गंभीर भाई अभी नेक्स्ट सीएसके को पेलने की सोच रहे हैं, एमएस धोनी की टीम को, द रियल राइवलरी। कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच 2011 वर्ल्ड कप, निकल ले भाई तू। रोस इज नो डिफरेंट गाइस, मैंने आरसीबी के ऊपर ने एक मस्त रील डाल के रखा है, अभी क्या अभी जाके देखो। भाई का आइडिया डेडमैन अंडरस्कोर मित्री, लिंक के डिस्क्रिप्शन में। अनदर डे ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन ड्रॉपिंग अ कैच इन आईपीएल। इनमें कुछ दीन ईमान बचा है नहीं, यही साला अगर वर्ल्ड कप का लास्ट बॉल होता ना 450 मीटर की बाउंड्री दूर होती ना, फिर भी भाग के जाता, चार बंदों के ऊपर से उड़ी मारता और कैच पकड़ लेता। मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ, इन ऑस्ट्रेलियन बंदों के ऊपर भरोसा करो मत, ये सब दिखावा है इनका। ये लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है वर्ल्ड T20 के लिए, अपने को खाली ये लोग दिखा रहे हैं, हमको तो नहीं आती भाई ये क्या होती है बॉलिंग। वो मिचेल स्टार्क देखो 8 ओवर में 100 रन दे चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो वर्ल्ड T20 में ऐसी बॉलिंग करेगा? मेरा एल करे भाई ऐसी बॉलिंग, देख लेना तुम लोग। एल मतलब लैम्बोर्गिनी। तुझे क्या लगा, मजा? ये हर दिन नई ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट भाई, क्रिस्टोफर नोलन को ने मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो भाई एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, गॉड हिमसेल्फ, मोटा भाई। धन्यवाद, यकीन कर भाई बहुत खुश हूँ। गौतम गंभीर का जो ये फेस है ना, ये है हैप्पीनेस 100% के ऊपर। ये है गौतम गंभीर का हैप्पी फेस, ये होता है सैड फेस, और ये होता है डिप्रेसिंग फेस, और ये होता है ट्वीट वाला फेस। एमएस धोनी ने अकेले ने 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। पढ़ाई मेरे लिए वैसी ही है जैसे आरसीबी टीम के लिए जीत। क्यों अभी आरसीबी को बीच में? अच्छा, आरसीबी को बीच में मतलब आरसीबी का कुछ संबंध नहीं है इसमें। इसकी मस्त कमेंट है, और एग्जाम मेरे लिए सीएसके जैसे, ना चाहते हुए भी देख के पास हो जाता हूँ। ये अलग ही बंदा है सारा, हमारी चार चार बैक लग जाती थी, हर सेमेस्टर में 2 किटी कंपलसरी। नारायण भाई T20 क्रिकेट खेलने की टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। नारायण भाई इतने फास्ट क्यों खेलते हो, बाकी टीम्स को डर लग रहा है ना अभी? बॉलर को बैट्समैन बना दिया इन लोग ने, खत्म हो गया भैया मैटर। कितना भी ट्राई कर लूं मेरी टीम भी रोज हार जाती है, और उसके अच्छे रिकॉर्ड्स भी टूट जाते हैं। विराट भाई इज लिटरली मी, कोशिश बहुत है पर डिजर्विंग रिवॉर्ड नहीं मिलता। अभी देखो मेरे 100 के हो रहे हैं क्या, कितनी बार भीख मांगेगा, चुप हो जाना। इसकी मस्त कमेंट है, सांस लेता हूं और आरसीबी के अरे क्यों उनके पीछे पड़े हो, उनका वो देख लेंगे रिकॉर्ड का। केरियस्ट वर्जन ऑफ आईपीएल टीम्स एम आई 2020 ट्रू सीएसके 2021 ट्रू आरसीबी गंभीर के ऊपर हंस रहा हूँ, मुझे बाकी किसी जोक के ऊपर हंसने को नहीं आया। KKR अंडर गौतम गंभीर ही सच्ची कॉमेडी है, गजब बेइज्जती। नाउ आई हैव बिकम सुनील नारायण द डिस्ट्रॉयर ऑफ पावर प्ले। भाई क्या खेल रही है वो KKR पावर प्ले में? मुझे तो लग रहा है इस साल ना KKR तो आ रही है, सनराइजर्स आ रही है, सीएसके आ रही है, एंड फिर चौथा स्लॉट जिसको भी लेना है वो ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान रॉयल्स आ सकती है, बाकी टीम्स कॉम्पिटिशन ही नहीं यार दे रही। देखो मोटा भाई अगले स्क्रिप्ट में क्या करो पता है, अभी ना थोड़े से जो टॉप 4-5 टीम है ना उनके 2-3 मैचेस ऐसे बॉटल कर दो, हरा दो उनको, और जो नीचे की टीम्स है ना उनको 2-2-3-3 मैचेस जिता दो, फिर कैसे एकदम टफ कॉम्पिटिशन बनेगा। मतलब लीग का लास्ट गेम चालू है और अभी तक प्लेऑफ्स में कौन जा रहा है फिक्स ही नहीं है भाई, इसको बोलते हैं मजे ही मजे। मैं आइडियाज दे रहा हूँ क्या जयशा को? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आईपीएल था इसलिए कैच छोड़ दिया, वर्ल्ड कप होता ना तो तुझे बताता। खड़ा हुआ जब ही वही कि वर्ल्ड कप गया ऑस्ट्रेलिया है। 277, 272 कह रहा हूँ ना भाई, ये दोनों पैदाइशी लक वाले बंदे। लोग सोने का चांदी का चमचा लेके मुंह में पैदा होते हैं, इन लोग के अंदर प्लैटिनम का है चमचा। चमचा तू क्या समझ रहा है? और अपने विराट और रोहित को तो लक के केस में कुछ मिला ही नहीं है। खैर रोहित भाई का एटलीस्ट आईपीएल में तो लक है, विराट भाई तो इतना करके कुछ नहीं मिलता उनको। अगर विराट कोहली के पास लक होता ना कौन रिकी पोंटिंग। अभी कोई तो कमेंट्स में रिकी पोंटिंग की भी बाजू लेगा, अपने कमेंट सेक्शन ऐसे ही होते। मैं अगर बोल दूं ना अरे कौन रिद्धिमान सा, कोई तो एक फैन उठेगा जाके रिद्धिमान सा के बेस्ट 10 परफॉर्मेंस
ढूंढेगा और ऐसे कॉपी पेस्ट करेगा ना तुझे क्या पता है रिद्धिमान शाह कौन है, लेजेंड है। मेरे को तो मजा आता है, मुझे क्या मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है तेरी एक कमेंट से। तुम्हें क्या लगता है तुम हेट कमेंट करोगे और यहाँ पर छेद पड़ने वाले है? ना भाई, उल्टा यहाँ पर एंगेजमेंट बढ़ने वाली है। बिजनेस माइंड यू नो, बिजनेस पर्सन मी पहला मराठी माणूस है जो धंदा करून राहणार। ये जाम चुकीचं साउंड करते असं ना वाटत पण भाऊ आपल्याला। अब मैं मराठी में बात कर रहा हूँ, अभी कोई तो कमेंट्स में जाके लिखेगा अरे इस टाइम स्टैम्प पे क्या बोला आई बैंगन रघुवंशी 50 रन्स भाई क्या खेल रहा था ये बंदा, इसको बोलते हैं डेब्यू। मैन लाइक रोहित शर्मा, यू कांट बी बैड इन क्रिकेट व्हेन योर आइडल इज सर रोहित शर्मा, सर डॉन ब्रैडमैन यहाँ पे उनके ऊपर सर रोहित शर्मा। सर डॉन ब्रैडमैन ने एक ही वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज मारी क्या, जस्ट आस्किंग। अभी सर डॉन ब्रैडमैन कभी कोई तो आएगा फैन कमेंट्स में रिकॉर्ड्स लिख दे भाई लिख दे। हेट कमेंट्स को एक बड़ा सा वेलकम है इस चैनल के ऊपर, जितने भी मेरे मॉडरेटर से एक भी हेट कमेंट डिलीट नहीं होगा, रखो रिस्पेक्ट है रिस्पेक्ट भाई। कल ना ये प्रूव कर दिया कि आपकी एक स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है और वही स्ट्रेटजी लेके कहीं ना कहीं गंभीर हमेशा लेके आते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स लेके आना, सरप्राइज करना और नारायण को इस तरीके से यूज करना कि नारायण अगर बाद में आएगा तो रन नहीं बना पाएगा इतने। ओपन आना, 6 ओवर का पावर प्ले है, उसका फायदा उठाना, तावड़ तो शुरुआत देना, वही वाली बात है, क्लिक कर गया तो आगे वाले को धागे खोल देना। जैसे वो ऐसे सीरियस नहीं रहता, वो उसके माइंड में चलता रहता है, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम गंभीर है। लेकिन भाई देखो हैट्स ऑफ टू केकेआर कि मतलब उन्होंने बहुत गजब खेला है कल, बहुत गजब, और बैक टू बैक वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके पास फिनिशर, रियल फिनिशर था उनके पास जिन पे भरोसा करा जाता है, ऐसा नहीं आरसीबी की तरह फिनिशर चले तो चल गए नहीं तो फिर फैंस तो बैठे ही हैं एक टिश्यू लेके कि भैया आज फिर दुख होना ही है। उनका है रियल भरोसा रहता है कि रसल करेगा, रिंकू करेगा, ये नहीं होता कि इनमें से कोई एक कर जाएगा, आरसीबी में इनमें से कोई एक कर ही जाएगा। वो केजीएफ भी जिस दिन केजीएफ में कोई नहीं चलता फिर तो वैसे इनका सत्यानाश हो जाता है। KKR, hats off to them, Rishabh Pant, well played, बहुत गजब इनिंग थी जो 28 रन मारे अय्यर के ओवर में, वो भाई साहब वो तो दोबारा दे, और ए जो दो छक्के पीछे मारते ना ऐसे बैट को फ्लिक करते, ओ भाई साहब इतने वो देखने में सैक से लग रहे थे ना, वो बहुत ही एलिगेंट लग रहे थे वो शॉट देखने में भाई, मजा आ गया कल का मैच देख के। भली हार गई दिल्ली, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिव पॉइंट भी आपको मिला होगा देख के ऋषभ पंत की बैटिंग। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, भाई के 100 के कराने में यार एक सब्सक्राइबर मैटर करता है, आप लोग भी करा देना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।